इन बिग बॉस, तो आई थिंक द मेकर्स ने मुझे बिग बॉस पे देखा था, और जब मैं घर से बाहर आई थी तुरंत मुझे ये मूवी थी मूवी का ऑफर था। मुझे ये बालाजी की तरफ से आया और उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्टर जो है इंद्र कुमार, उन्होंने कहा कि आपको हम एक आइटम सॉन्ग दे रहे हैं, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड। एंड आई सेड ओके, सिंस इट्स एन आइटम सॉन्ग सो कुछ नया था करने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉन्ग है, प्रमोशनल गाना है तीनों लड़कों के साथ, और उसमें मैं यू नो आई एम दी सोलो गर्ल। सो मज़ा आया, और जब पता चला कि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड। एक्चुअली तीनों लड़के बहुत ही यू नो मस्ती खो रहे हैं, रियल लाइफ में भी मस्ती खो रहे हैं। रितेश के साथ यू नो मेरे सीन्स भी है मूवी में, सो उसके साथ मैंने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है, सो ही इज़ अ फ्रेंड नाउ। आफ्ताब मैं शूटिंग के दौरान मैंने उन्हें जाना, एंड इवन ही इज़ अ सुपर फन गाय, सो वी पार्टेड ऑल्सो। और जो विवेक है वो मेरी जो बहन है उज्ज्वला राउत, उनके दोस्त हैं, दे हैव लॉट ऑफ कॉमन फ्रेंड्स, सो वो कनेक्शन है। तो उनके साथ बहुत ही मज़ा आया काम करके, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तीनों ही अच्छे डांसर हैं, और यू नो जब वो साथ में आते हैं तीनों तो बहुत मस्ती करते हैं, बिकॉज बॉयज़ आर बॉयज़, और उसमें मैं अकेली लड़की, सो आई हैड अ स्पेशल ट्रीटमेंट। एक्चुअली ये जो गाना है वो बहुत ही मुश्किल गाना था, क्योंकि थीम ये है कि तीनों लड़के एक लड़की को कैसे फैंटिसाइज कर रहे हैं। तो अभी फैंटसी बोले तो यू नो वो तो कुछ भी हो सकता है, बट क्योंकि ये 4 दिन रिहर्सल्स था और 4 दिन शूटिंग हमने दे, तो कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे जैसे रितेश सारे में विजुअलाइज़ कर रहा है, सारे में आई थिंक लड़की बहुत हॉट दिखती है, तो वो उसमें मुझे विजुअलाइज़ कर रहा है। जो विवेक है वो मुझे एज अ प्रिंसेस के गेटअप में विजुअलाइज़ कर रहे हैं, और जो विवेक है वो मुझे लेदर में विजुअलाइज़ कर रहे हैं। सो कॉन्सेप्ट ये है कि और शूटिंग के दौरान बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और प्रॉप्स यूज़ किए गए हैं, जैसे लॉलीपॉप, आइस, हैंडकफ, लेदर, वेप, सो इट्स अ वेरी नॉटी सॉन्ग। और एक सीन है जहाँ पे यू नो जहाँ पे मुझे रोडियो पे यू नो जहाँ पे आप बुल राइड करते हैं, वो एक सीक्वेंस वो था कि मुझे यू नो बुल पे बैठना है, और मैं वो राइड कर रही हूँ, और तीनों लड़के मेरे ऊपर शैम्पेन स्प्लैश कर रहे हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि पूरा शैम्पेन मेरे आँखों में जा रहा था। सो दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे दिखाना था मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही थी, और वो रोटेशन में करना था तो काफ़ी मुश्किल था। एंड देर इज़ वन मोर सीक्वेंस जहाँ पे तीनों लड़के मुझे यू नो आई एम गेटिंग वेट इन द रेन, तो अब तीनों के साथ मेरा डांस सीक्वेंस है, तो वो भी काफ़ी मुश्किल था, तो इट वॉज़ क्वाइट फन। एक्चुअली अगर आप ग्रैंड मस्ती के बारे में बात करें, मस्ती ग्रैंड मस्ती या ग्रेट ग्रैंड मस्ती, आप एज यू नो इट्स अ सेक्स कॉमेडी, तो उसमें कुछ नॉटी सॉन्ग ही होगा। अब अभी इसमें मैंने साड़ी भी पहना है, मैंने हॉट शॉर्ट्स भी पहना है, तो आई थिंक इट्स अ एक्चुअली जो चैलेंज था वो मैंने पूरा किया, क्योंकि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं क्लासी दिखूँ ना कि चीप, और आई थिंक कोरियोग्राफर और मेकर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, सो दे हैव डन फुल जस्टिस। सो लेट्स सी अभी क्या रिस्पॉन्स है, क्योंकि क्योंकि आज ही सॉन्ग बाहर। एक्चुअली मुझे सबने गाना देखा है, और एवरी वन हैज जस्ट सेड वन थिंग दैट यू हैव किल्ड इट सोनाली, एंड ओनली यू कुड पुल इट ऑफ अ सॉन्ग लाइक दिस, सो आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे सभी लोगों से यू नो बहुत सारे बेस्ट विशेज आए, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं अभी ऑडियंस जब रिलीज होगी तब क्या रिस्पॉन्स है। एक्चुअली जब मैंने शूटिंग शुरू की थी, एक्चुअली शूटिंग के दौरान बहुत मुश्किल था, क्योंकि यू नो 5 लुक्स थे, 3 डिफरेंट बॉयज़, और काफ़ी हेक्टिक भी था शूट करना, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैं कर रही हूँ, जैसे एक रोडियो पे है, एक बारिश में सीक्वेंस है, एक साड़ी में है, एक लेदर में है, और शूट भी ऐसे हो रहा था कि यू नो जहाँ पे मेरे क्लोजअप होते थे तुरंत मेरे लॉन्ग शॉट्स आते थे, तुरंत फिर विवेक के साथ मेरा शॉट रहता था, तुरंत फिर रितेश के साथ, तुरंत फिर आफ्ताब के साथ, और पूरा वो प्रोसेस रिपीट हो रहा था, तो काफ़ी टायरिंग था, बट अभी सॉन्ग देखने के बाद आई एम हैप्पी। एक्चुअली शूट के दौरान तो बहुत मस्ती हुई, क्योंकि कॉमेडी जॉनर है या और मुझे एक्चुअली कॉमेडी करना पसंद है खुद को, सो आई थिंक डिफरेंट जॉनर है, डिफरेंट चैलेंज है। मैंने अभी तक आइटम गाना नहीं किया था, मुझे आइटम गाना मिल गया, सो आई लव चैलेंजेस, और जो भी मैं करती हूँ मुझे सीखने को ही मिल रहा है, एंड आई एम ट्राइंग न्यू थिंग्स, सो लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। एक्चुअली मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमियो है ग्रेट ग्रैंड मस्ती में, मेरा गोस्ट अपीयरेंस नहीं, मेरा गेस्ट अपीयरेंस है, और
और मेरी अभी मैंने एक वेब सीरीज ख़त्म की है, लव लाइफ स्क्रू अप, वो अगस्त में रिलीज़ है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। और मेरी जो नेक्स्ट मूवी है पैरानॉर्मल, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अनिल शर्मा एंड डायरेक्टेड बाय हिज ब्रदर संजय शर्मा, तो वो नवंबर रिलीज़ है। और दो और प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैं बहुत जल्द उसके बारे में बात करूँगी। जो पैरानॉर्मल है वो इट्स अ हॉरर जॉनर, और उस मूवी में पूरी मूवी मेरे ऊपर है, सो आई एम हैप्पी। और जो लव लाइफ स्क्रू अप जो मैंने कैरेक्टर निभाया है, अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैरेक्टर। और एज यू नो ग्रैंड मस्ती में बहुत सारे लोग हैं, सो इट मेड सेंस डूइंग एन आइटम सॉन्ग। एक्चुअली काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टाइम देते हैं, एनर्जी, इट्स अ टीम एफर्ट, और बहुत पैसा लगता है। सो ऐसा कुछ होता है तो इट फील्स सैड, क्योंकि यू नो एंड में सबको यू नो इट्स द रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। एवरी वन शुड मेक मनी, एवरी वन इज़ हेयर टू मेक मनी, और जो काम है वो लोग पसंद करें। बट ऐसी चीज़ें हो रही है, अभी क्या करें। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बालाजी की बैक टू बैक दो मूवीज़ लीक हुई है। सो आई थिंक दे शुड बी केयरफुल, दे शुड टेक सम प्रिकॉशंस, और कुछ करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं, क्योंकि बहुत नुकसान होता है इंडस्ट्री। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली ये आउट है गाना, और सबने इसको सबने उसको ट्वीट किया है, सो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। लेट्स सी अब ऑडियंस, आई थिंक ऑडियंस, मैं तो चाहती हूँ कि पसंद करे, हम तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। सो या लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट।